तो डीमन एम्परर की इस एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं टियान बोल रहा होता है, मजाक कर रहे हो क्या, मैं दी सेवेंथ फैमिली का फ्यूचर हेड हूँ, दी मैग्निफिसेंट स्वॉर्ड्समैन का बेटा जी टियान यांग, मुझे तुम्हारी ये चीज नहीं चाहिए, और मैं तुम्हें बता दूं कि अगर मैं यहाँ मर भी गया तो भी तुम्हें थैंक यू नहीं बोलने वाला, और यहाँ अगर मैं किसी बीस्ट के हाथों मारा भी गया तो भी मैं तुम्हारी चीज नहीं लूंगा। तो वो एम्परर वहाँ से जाने लगता है और बोलता है, हाँ हाँ मास्टर, आपके इस काइंडनेस के लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर टियान बोलता है, मुझसे नजरें मत चुराओ, मेरी तरफ देख। और फिर वो बोलता है, क्या तुम्हें पता है आज निंग का 16th बर्थडे है, इसलिए वो इतनी इमोशनल है, और इसलिए वो थंडर स्काईलार को अपने अंडों को बचाते हुए देखकर दुखी हो गई थी। तो एम्परर उसके पास जाकर बोलता है, तो आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए तुम्हारे बड़े भाई होने के नाते मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। और वो उसे एक रिंग पहना देता है और बोलता है, ये एक स्टोरेज रिंग है, इसे मैंने थंडर स्काईलार्क की बॉडी से बनाया है, और ये यहाँ तक कि जिंदा जीवों को भी स्टोर कर सकता है, और इसके जैसा मेरे पास भी एक है, और ये रिंग बाकी सारे रिंग से बहुत ही अलग है, क्योंकि ये दोनों रिंग सेम है, और जब तक ये रिंग रिस्पॉन्ड करती रहेगी तुम्हें पता होगा कि मैं पास ही में हूँ। और टियान उन्हें देखकर सोच रहा होता है, दो रिंग, दोनों के पास एक एक है, इसका मतलब तो हुआ ये लव टोकेंस है, और चिल्ला के बोलता है, जाओ पान, मुझे भी एक दो। तो एम्परर बोलता है, नहीं, आज तुम्हारा बर्थडे थोड़ी ना है। टियान बोलता है, नहीं, तुम्हें मुझे एक देना ही होगा, तुम दोनों के पास एक एक रिंग है, इसका मतलब तो हुआ कि नहीं, तुम्हें मुझे एक देना ही पड़ेगा या फिर मैं छीन लूंगा। तो एम्परर उसकी तरफ कुछ फेंकता है और टियान उसे जब देखता है वो रिंग होता है। और फिर एम्परर उसे बोलता है, हम तीनों ने सब साथ में झेला है, और मैं तुम्हारे लिए एक बनाना भूल कैसे जाता। तो टियान शर्मा जाता है और बोलता है, हाँ हाँ तुम इतना बोल रहे हो तो मैं इसे रख ही लेता हूँ, और उस रिंग से नींग के साथ खेलने लग जाता है। तभी एम्परर उसे बोलता है, अभी यहाँ कोई बोल रहा था कि मैं उसकी चीज नहीं लूंगा, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं। तो टियान बोलता है, इसमें गलत क्या है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, हम तीनों के पास जो भी चीज है हमें आपस में शेयर करना चाहिए। एम्परर बोलता है, हाँ हाँ मास्टर जी टियान, और दोनों झगड़ने लग जाते हैं। निंग सोच रही होती है, मैं चाहती हूँ कि ये वक्त यहीं थम जाए, और जैसे हम तीनों अभी हैं हमेशा साथ में रहें। और फिर हम देखते हैं दूर कहीं पहाड़ पर एक आदमी उनकी तरफ ही देख रहा होता है, और फिर वो पहाड़ से नीचे उतरता है, और उस जगह से वही ब्लू बर्ड निकलता है जिसने एम्परर की मदद की थी। और फिर हम देखते हैं एक महीने बाद का सीन, एम्परर बोल रहा होता है, अब हम फर्स्ट एरिया में आ चुके हैं, और जब हम क्यूमिंग सिटी पार कर लेंगे तो हम पूरे सुरक्षित हो जाएंगे। तो निंग बोलती है, पर हमने सेवेंथ एल्डर को ऑफेंड किया है, क्या वो हमारे लिए जाल नहीं बिछाया होगा। तो एम्परर बोलता है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो भी उस चीज को देखकर डर गया था और वहां से पैनिक होकर भाग गया था, उसने सोचा होगा कि उस चीज ने हम लोगों को भी मार दिया होगा, इसलिए वो हमें पकड़ने की कोशिश नहीं करेगा। तो टियान पूछता है, कौन सी चीज। एम्परर बोलता है, अब ये मुझे कैसे पता होगा। और फिर वो निंग से बोलता है, निंग अब जब तुमने अपनी सिटी छोड़ दी है तो तुम कहाँ जाने वाली हो। तो निंग बोलती है, ब्रदर जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, चाहे तुम कहीं भी जाओ। तो टियान उसे बोलता है, निंग तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो यहाँ पर तुम्हें यूमिंग वैली के लोग भी नहीं ले जा पाएंगे। तो निंग बोलती है, ठीक है, वैसे भी मैंने एक सेवेंथ फैमिली को कभी नहीं देखा है। और फिर टियान बोलता है, साउफान देखा तुमने, निंग कितनी खुश है, और मैं तुम्हें भी मेरे हाउस में आने को इनवाइट करता हूँ। तो एम्परर बोलता है, नहीं, अगर फ्यूचर में मौका मिला तो हम फिर से मिलेंगे। पर टियान उसे बोलता है, पर फिर भी मैं तुम्हें मेरे हाउस में वेलकम करूंगा, और अगर तुम मेरे भाई हो तो मेरी तरफ देखो। तो एम्परर बोलता है, मैंने तुम्हें बोला था ना मेरा कोई भाई नहीं है। और टियान गुस्सा होने लग जाता है,
पर तभी ही वहाँ पर कोई आदमी बोलता है, तुम तीनों वहीं रुक जाओ। और फिर वहाँ पे वो आदमी आता है और ये आदमी होता है निंग का ग्रैंडफादर। तो एम्परर बोलता है, क्या ये इविंग वैली का कोई एल्डर है? टियान उसे बोलता है, मुझे कैसे पता होगा, मैंने इसे कभी नहीं देखा है। और तभी ही निंग ग्रैंडफादर चिल्लाते हुए उसकी तरफ जाने लगती है। तो एम्परर उसे देखकर बोलता है, रुको, इसका मतलब तुम चैंपियन ऑफ द हेवेंस हो, यूई डिंग टियान। और फिर डिंग टियान बोलता है, निंग तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हें पता है तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हें कितना ढूंढा। तो निंग बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए ग्रैंडफादर, आपको इतना परेशान करने के लिए। और डिंग टियान बोलता है, तो तुम इतने दिनों से इन लोगों के साथ थी, इन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? तो निंग को शर्म आ जाती है और वो बोलने लगती है, ग्रैंडफादर आप ये क्या बोल रहे हैं। और डिंग टियान बोलता है, तो आप तुम दोनों में से बताओ कि किसने मेरे ग्रैंडसन यूई गैंग को चोट पहुंचाई है। और तभी अचानक से टियान चिल्लाने लगता है, ये है वो आदमी, मैंने तो उसे कभी देखा ही नहीं, मैं तो बाद में आया हूँ, ये वही आदमी है जिसने ये सब किया है। तो फिर एम्परर बोलता है, मुझे तब पता नहीं था कि वो निंग का भाई है, इसलिए मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। तो फिर डिंग टियान बोलता है, तो तुम ही हो जिसने निंग को भगा ले गया था। तो टियान बोलता है, क्या भगा ले गया था? और फिर वो एम्परर को पकड़ लेता है और बोलता है, जाओ फान अभी इसे एक्सप्लेन करो, निंग के साथ तुम्हारा ऐसा रिश्ता कब से बन गया? और फिर डिंग टियान निंग से बोलता है, ये बच्चा कौन है, ये मुझसे भी इतना ज्यादा भड़का हुआ क्यों है? तो निंग सोच रही होती है, आपको ऐसे सवाल सबके सामने नहीं पूछने चाहिए। तो एम्परर टियान से बोलता है, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो बस निंग को हमारा गाइड बनाने को बोला था और कुछ भी नहीं है। फिर डिंग टियान बोलता है, तो ये बात है, अब जब तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर का इतना ध्यान रखा है इसलिए मैं तुम्हें इस बार जाने देता हूँ, और निंग यहाँ से चलो, हम घर वापस जा रहे हैं। तो फिर एम्परर उन्हें बोलता है, रुको, तुम निंग को घर नहीं ले जा सकते हो, और मैं तो तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम भी मत जाओ। डिंग टियान बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है? तो एम्परर बोलता है, क्योंकि हम तीनों ने द सेवेंथ एल्डर को गुस्सा दिला दिया है और उसने निंग को भी देख लिया था, इसलिए वो एल्डर अभी यूई फैमिली के पास ही जा रहा होगा, इसलिए अगर तुम निंग के साथ वापस जाओगे तो तुम सीधे मौत के मुंह में जा रहे हो। और ये सुनते ही डिंग टियान बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और उसे इससे चक्कर आने लग जाते हैं और वो नीचे गिरने लगता है। और फिर डिंग टियान बोलता है, तो ये तुम लोगों ने किया है और तुम लोगों की वजह से आज यूई फैमिली के सारे लोग मारे जाएंगे, पर अगर मैं तुम लोगों को यहीं पर मार दूं तो दी सेवेंथ एल्डर हमें अपने पापों के लिए माफ़ कर देंगे। और फिर डिंग टियान एम्परर पर अटैक कर देता है, फिर एम्परर अपना एक डुप्लीकेट बना लेता है, पर डिंग टियान उन दोनों को ही मार देता है। और फिर वो देखता है कि रियल एम्परर तो उसके पीछे होता है और फिर एम्परर उस पर अटैक करता है, पर वो अटैक डिंग टियान को नहीं लगता और फिर डिंग टियान उस पर अटैक करता है जिससे एम्परर के मुंह से खून निकल जाता है और वो जाके एक पत्थर से टकरा जाता है। और डिंग टियान बोलता है, आप सब खत्म हुआ, पर वो तभी देखता है कि टियान ऊपर से उस पे स्वॉर्ड से अटैक करता है, पर उस पे वो अटैक लगने से पहले ही वो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है और सीधे टियान के पीछे पहुँच जाता है और उस पर भी अटैक कर देता है और उससे वो नीचे गिर जाता है। एम्परर सोच रहा होता है, हम इसे नहीं हरा पाएंगे, अब मैं क्या करूं? तभी डिंग टियान बोलता है, ये तुम्हारी ही गलती है कि तुम लोगों ने गलत आदमी से पंगा लिया है, और उनकी तरफ बढ़ने लग जाता है। और तभी निंग बोलती है, रुकिए ग्रैंडपा, उन्हें जाने दो, वो मेरे दोस्त हैं। तो डिंग टियान बोलता है, अगर मैंने इन्हें जाने दिया तो हमारी यूई फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पर तभी ही निंग बोलती है, ग्रैंडपा अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं अपने आप को चोट पहुंचा दूंगी। और उसने अपने गर्दन पे एक चाकू रखा हुआ होता है, पर फिर भी डिंग टियान बोलता है, माफ कर देना निंग, पर मैं सेवन फैमिली को ऑफेंड नहीं कर सकता हूँ। और आगे बढ़ने लगता है, पर तभी ही एम्परर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, यूई डिंग टियान तुम तो सच में बूढ़े हो गए हो,
तुम्हें लगता है कि तुम हमें ख़त्म कर दोगे तो यूई फैमिली बच जाएगी, बल्कि इससे तो तुम्हारी फैमिली और भी जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो डिंग टियान पूछता है, तुम क्या बोल रहे हो? तो एम्परर टियान की तरफ उंगली दिखाकर बोलता है, तुम जानते हो कि ये कौन है? ये दी सेवेंथ फैमिली में से एक का वारिस है। क्या तुम अपनी सेकेंड रेट फैमिली के साथ एक सेवन फैमिली के मेंबर के साथ पंगा लेना चाहोगे? फिर डिंग टियान बोलता है, ये नामुमकिन है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, क्योंकि अगर जियान हू का कोई आदमी आता तो मुझे पता कैसे नहीं है? एम्परर बोलता है, सेवन फैमिली को तुम्हें बताने की क्या जरूरत है? और तुम्हें नहीं दिखता कि ये कौन सा हथियार इस्तेमाल कर रहा है? और अगर तुम्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा है तो तुम खुद ही ट्राई कर सकते हो। और फिर मैं नहीं जानता कि उमिंग वैली के साथ क्या होगा, पर एक बात पक्की है कि जियान ही फैमिली तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगी। और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।